आज हमने देखना है कि जो हम अपना इंस्टाग्राम एज अ प्रोफेशनल यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हमारे पास जो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम की सेटिंग है वो कैसे सेटअप की जाती है और हमें सेटिंग कहाँ में मिलती है। आपने सिंपल यहाँ पे अपने मोर पे क्लिक कर लेना, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखा रहा होगा, आपने सेटिंग्स के टैब पे क्लिक कर देना तो आपके सामने आपके सेटिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन करना तो यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा होगा प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। आपने प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना तो यहाँ पे आपके पास सारी प्रोफेशनल अकाउंट की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको बता रहा है प्रोफेशनल अकाउंट। सबसे पहले आपको बता रहा है कि कैटेगरी के आपके जो बिजनेस है या आप जो प्रोफेशनल अकाउंट बनाए हैं वो उसकी कैटेगरी कौन सी है, आपने चेंज करनी है, चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सर्च करके आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फर्दर आपको डिस्प्ले कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं उसको टिक कर दूँ मतलब मेरे यूजर को मेरा जो यूजर नेम होता है इंस्टाग्राम का उसके नीचे मेरी कैटेगरी भी डिस्प्ले में शो हो रही होगी। पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपना ईमेल प्रोफेशनल यहाँ पे ऐड कर देना और अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देना, जिसके ऊपर आपका जो सीटीए बटन यूज हो रहा होगा, जिसके ऊपर लोग आपसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। फिर आपको फर्दर आपके प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर आपको दे रहा होता है फोन नंबर की, आप अपना यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर दो। अब उस फोन नंबर के ऊपर आपको इंस्टाग्राम पूछा कि आप कैसे चाहते हो लोग आपको रीच करें, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन दे रहा है कॉल या टेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे नंबर आप लगाते हो कॉल सेट कर लेते हो लोग आपको कॉल कर रहे होंगे, और अगर यहाँ पे नंबर लगा के आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारे पास जो हमारी यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, अगर मैं उसको टिक कर दूंगा तो मेरे जो मेरा यूजर नेम होता है उसका जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर मेरी यहाँ पे सारी मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे यूजर को दिख रही होगी। अगर मैं उसको अनचेक कर दूंगा, अनचेक करने के बाद नहीं शो होगी, चेक करने के बाद मैं सबमिट करूंगा तो मेरी इंस्टाग्राम की जो प्रोफेशनल सेटिंग है उसके अंदर सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है, और इसके अंदर आपको नॉर्मली सारी चीजें आप यहाँ पे एज अ बिजनेस यहाँ पे देख के उसको नॉर्मली अपने बिजनेस के साथ काम करवा सकते हो।